नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे नव नियुक्त बिहार सरकार में नए मंत्रियों को उनका आवास मिल गया है, तो उन आवासों के बारे में जानेंगे कि किनको कौन सा आवास मिला है। बिहार में नव नियुक्त सरकार के गठन के बाद से मंत्रियों को उनका बंगला अलॉट कर दिया गया है। बिहार सरकार में शामिल दो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उनका आवास आवंटित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को 5 देश रत्न मार्ग बंगला आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि यह बंगला तेजस्वी यादव को पहली बार डिप्टी सीएम बनने के बाद मिला था। उन्होंने इस बंगले को खूब सजाया और उसको सवारा था। इसके इंटीरियर पर जमकर सरकारी खर्च भी किए गए थे। इसके बाद जब महागठबंधन में टूट हुआ और जदयू बीजेपी के साथ सरकार बनी, तब यह बंगला तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को आवंटित कर दिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव इस बंगले को छोड़ने को लेकर तैयार नहीं थे। इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा, तब जाकर इस बंगले को उप मुख्यमंत्री के लिए नोटिफाई कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि जो भी डिप्टी सीएम होंगे उन्हीं को यह बंगला दिया जाएगा। ऐसे में यह बंगला तारकिशोर प्रसाद को आवंटित कर दिया गया है। वहीं रेणु देवी को 3 स्टैंडर्ड रोड पर बंगला आवंटित किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने 17 दिसंबर 2020 को जारी पूर्व के आदेश को निरस्त करते हुए मंत्रियों को आवास सौंपे जाने का नया आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मंत्रियों को इस बंगले यानी कि केंद्रीय पुल से आवंटित किया गया है। पिछली सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर अशोक चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी बंगला अलॉट कर दिया गया है। वो बंगला उन्हें पुराने वाले बंगला ही उन्हें दिया गया है। अब हम एक बार विस्तार से जान लेते हैं कि बिहार में जितने 15 मंत्री बने हैं उन सभी को कौन कौन सा बंगला दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को, इन्हों 5 देश रत्न मार्ग पर बंगला आवंटित किया गया है। वहीं उसके बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को 3 स्टैंडर्ड रोड पर बंगला आवंटित किया गया है। जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी को 5 सर्कुलर रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को 1 स्टैंडर्ड रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी को 2 पोला रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी को 23 स्टैंडर्ड रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। SC ST मंत्री संतोष कुमार सुमन को 25 स्टैंडर्ड रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी को 6 स्टैंडर्ड रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे को 4 ट्रेलर रोड का बंगला आवंटित किया गया है। पहले भी यह बंगला उनके नाम से ही अलॉट था। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह को 12 बेली रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। PhD मंत्री रामप्रीत पासवान को 43 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। जीवेश कुमार को 5 पोला रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। रामसूरत कुमार को 33A हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।